सभी का मैं हूँ आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है कुछ बड़ी और अहम खबरों का। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट तुरंत सस्पेंड करे और आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दे। बीजेपी ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से यह भी अपील की है वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करे और इस बाबत मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को निर्देश भी जारी करे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने शिकायत पत्र में राहुल गांधी के ट्वीट का भी स्क्रीनशॉट साझा किया है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट 25 नवंबर की सुबह 8:40 पर किया था। इस ट्वीट में उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के बारे में बताया था। बीजेपी का आरोप है कि मतदान के 48 घंटे पहले आचार संहिता के तहत साइलेंस जोन लिमिटेड शुरू हो जाती है और कोई इस तरह प्रचार नहीं कर सकता है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट करते हुए पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 126 का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने अपने पत्र में बताया कि इस तरह की उल्लंघन में 2 साल की जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।